तो एक और नया दिन नई शुरुआत के साथ शुरू करते हैं। एक नई वीडियो जो है बहुत एक्सट्रीम होने वाली है। वीडियो बहुत एडवेंचरर है क्योंकि ये जगह ही कुछ ऐसी एकदम एडवेंचररफुल। ये बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये है भैरवगढ़। बहुत एक्सट्रीम प्लेस में गिना जाता है इसको महाराष्ट्र में फॉर अ ट्रैकिंग। और यहाँ तक आने के लिए हमने यूज़ किया है ST बस थाने से। वहाँ के जो रॉक कटिंग्स है बहुत अच्छे हैं। यहाँ अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ आगे वो एक्सट्रीम लेवल्स पे हैं, अच्छे खासे हाइट पे हैं, डेंजरस दिखते हैं एंड एडवेंचरस के लिए बहुत अच्छी जगह है। लेट्स स्टार्ट इट। हमने ट्रैकिंग तो स्टार्ट की है अराउंड 10 के बाद। यही गलती की है क्योंकि 10 के बाद काफ़ी धूप है ये, जो हमें महंगा पड़ने वाला है आगे। तो आप कभी आओ तो ये गलती ना करिए, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने का ट्राई करना क्योंकि धूप ना लगे। धूप लगे तो ट्रैकिंग में बहुत मुश्किलें आती है। ये आगे आप ध्यान रखना। और जो जैसे स्टार्ट करोगे नॉर्मल सा रास्ता दिखता है, वो पीछे एक होटल था उसी के लेफ्ट साइड से रास्ता गया है जो एकदम नॉर्मल सीधा सिंपल लग रहा है। जिस स्टार्टिंग में तो सबको लगेगा ये बहुत सिंपल है, बट जैसे ही आगे जाओगे सब दिखने वाला है क्या सिंपल है कैसा था। यहाँ पे ये 1/4 ट्रैक हुआ है, बट ये 1/4 ट्रैक ने भी पूरा पसीना निकाल लिया है। देखते हैं आगे का ट्रैक कैसा रहेगा। 1/4 ट्रैक में ही पूरा पसीना तो निकल चुका है, बट अभी भी तो बहुत ऊपर जाना है। जो पीछे वो वहाँ पे 1/4 इतना कुछ था नहीं, इजी था, बस छोटे छोटे चढ़ाई थी हल्का हल्का और बहुत इजी है। आगे डिफ़िकल्टी है, यहाँ तक तो बहुत इजी है। अभी यहाँ तक आगे भी जा रहा हूँ वो भी थोड़ा इजी है। नेक्स्ट जब रॉकेट्स आते हैं तो डिफ़िकल्टी बढ़ती है। सो फाइनली हम लोग हाफ पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। जो यहाँ से आते वो जंगल से आते हुए ऊपर आए हाफ पॉइंट है यहाँ पे। तो फिलहाल ये अभी तो ये हाफ पॉइंट होने के बाद एक्चुअल में वो डेस्टिनेशन है, वहाँ तक जाना है पूरा। ये तो सिर्फ 50% हुआ है बट बहुत मज़ा आ रहा है और अच्छे भी फोटोज़ के लिए हाफ पॉइंट के पहले ही एक पॉइंट है वहाँ पे, अच्छे फ़ोटोज़ भी आते हैं यहाँ पे, ट्राई कर सकते हैं। ये आगे का 50% है वो और डिफ़िकल्ट है क्योंकि एकदम स्ट्रेट 80 डिग्री की रॉक कट चढ़ाई होगी, सो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ने वाला है। सो 25 मिनट्स का हमने रेस्ट लिया और अभी आगे बढ़ रहे। जो 50% लास्ट बाकी है वो कंप्लीट करने के तरफ। एंड जो एक और चीज़ बतानी थी, इसका नाम भैरवगढ़ क्यों है। इसका एक्चुअल में ये एक वॉच टावर था, सो जो इस पर सोल्जर्स थे ना उन्होंने ऊपर एक भैरवनाथ का छोटा सा मंदिर बनाया, उसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ा है भैरवगढ़, जो छोटा सा मंदिर है। ट्रैक तो सिर्फ 50% तक ही ईजी था, 50% के आगे बढ़ रहा हूँ तो स्टीफ होते जा रही है और चढ़ाई थोड़ी डिफ़िकल्ट हो रही है। मीन्स कुछ ना कुछ पकड़ के ही चढ़ना पड़ेगा वरना ये स्लिपरी होते जा रहे हैं। अभी तो स्लिपरी है आगे बट ठीक है। हाँ थोड़ा ध्यान रखना जब भी आओगे क्योंकि ज़्यादा ही स्लिप हो रही है, बिना कुछ पकड़े चढ़ नहीं सकते। ओ एंड एज यूजल हर फोर्ट की तरह
यहाँ पे भी एक टाकी है पानी का, जो सोल्जर्स के लिए यूज़ होता था। ये पानी हर फोर्ट पे होता है, एक ना एक टाकी। सो ये फोर्ट का टाकी जो है मतलब घर से नीचे है, जो ऊपर टावर है उससे नीचे में है। जाते अभी हमने पानी तो भर लिया, आगे के लिए निकल रहे। एंड ये अभी तो जाके भैरवगढ़ का पैच स्टार्ट हुआ है, अभी मालूम पड़ता है कि ये भैरवगढ़ इतना थ्रिल और एडवेंचरर क्यों है। अभी से मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे एक एक पैर रखना, मतलब दो चार बार देख के रखो, ग्रिप जो पहले वाले पैर का ग्रिप है उसको भी संभाल के रखो, तो ही नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे। और एक यहाँ पे एक अच्छी बात है कि ज़्यादा लोग आएंगे तो यहाँ पे बोल्टिंग की गई है, सो आप लोग रोप भी यूज़ कर सकते हो। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, रॉक कट्स वाले स्टेयर्स आएंगे जो अभी शुरू होते हैं यहाँ से। अब पता चलता है कि भैरवगढ़ क्या है। फाइनली ये जो हार्डेस्ट पैच था वो हमने क्रॉस कर लिया। यह हार्ड इसलिए हुआ है क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ना यहाँ के जो स्टेयर्स थे उसको तोड़ दिया था बॉम्ब से उड़ा के, ताकि कोई आके यहाँ पे चुप ना सके, सो दैट ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाए ये भी फोर्ट। इसके लिए उन्होंने तोड़ दिया था। इसके लिए अभी ना तो यहाँ पे चढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। सो वैसे तो बहुत लोग रोप लाते हैं, हमने भी लाया, बट हमारी रोप थोड़ी छोटी पड़ गई थी। फाइनली ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए, मीन्स पहुँचने ही वाले हैं, ये थोड़ा सा ही है। सो देख तो लिया ही होगा कि कितना थ्रिल और एडवेंचरर था। अभी नीचे जाते वक्त तो और पता चलेगा, क्योंकि जब उतरते हैं ना अलग एक्सपीरियंस है यहाँ पे तो उतरने का। उतरने का पहले ऊपर का एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर उतरने का देखते हैं। टॉप पे भैरवगढ़ के टॉप पे आ गए, और जो वो दिख रहा है वो है हरिश्चंद्रगढ़ा एंड कोकनगढ़ा, दोनों साथ में। ब्लरी दिख रहा है कैमरे में, बट आग से देख रहे हैं तो ठीक अच्छे से दिख रहा है यहाँ से। और यहाँ पे नैने घाट है, इसके पीछे नैने घाट है। यहाँ से दो तीन दिखते हैं, मतलब दो तीन ही बहुत अच्छे दिखते हैं, अच्छे अच्छे बहुत सारे दिखते हैं, बट क्लियर व्यू नहीं मिल रहा आज, इसके लिए आज थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है। ट्राई करता हूँ जूम करके, कुछ दिख रहा है कि नहीं। हाँ ये अभी थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, जो वही हरिश्चंद्र और कोकनकड़ा है। So I applaud you for your dreaming, for your running towards your dream. I applaud you for believing in yourself, because that's what life is about, stretching and challenging. हमने एक्सप्लोर कर लिया पूरा ये, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, निकलना है जल्दी क्योंकि सनसेट हो जाएगा, उसके पहले निकलना है ताकि कुछ दिखे। अगर सनसेट हो गया तो कुछ दिखेगा नहीं, और हमने टॉर्च वगैरह कुछ लाया भी नहीं है, सो इसके लिए जल्दी से निकल जाए।
लास्ट पैच तक आ गए हम लोग, और अंधेरा होने के पहले हमको नीचे उतरना है। नीचे एक बार वो लास्ट पैच उतर गए तो ईजी रहेगा, नीचे तक का तो पूरा ईजी है, बस अंधेरा होने के पहले उतर जाना है हमें। और वैसे भी आप भी कभी आओ तो नीचे अंधेरा होने के पहले लास्ट पैच जो चढ़े थे वो उतर जाना चाहिए, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो अच्छे से उतर नहीं पाओगे। कहाँ पैर रखना है, कैसे उतरना है, कुछ समझेगा भी नहीं। और हम भी जल्दी जल्दी से ट्राई करते उतरने का। और उतरने में यह है कि अगर मैं शूट कर पाया तो दिखाऊंगा, और एज आई एम सॉरी। फाइनली ये वीडियो एंड हो रहा है, बट एंड होते होते पूरा रात हो गई है। पूरी रात में उतर रहे हैं टॉर्च लेके। एक्सपीरियंस ये शेयर तो करना था, बट ये कैमरा मेरा सपोर्ट नहीं दे रहा। एंड कैसा था वीडियो ये है बताना कमेंट में।